ये एक परपेचुअल मोशन मशीन तो नहीं है, पर बेहद खूबसूरत मशीन है। इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ती है। इसमें हमें ऊपर से 10 कंचे रखते हैं, उसके बाद में ये कंचे धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। इसमें दो प्रमुख मुंह हैं, यहाँ से कंचा बाहर निकलता है सफ़ेद ट्यूब से, और ऊपर वाला जो हरा ट्यूब है उससे कंचा मशीन के अंदर जाता है। अब ये देखिए, ये जैसे हरे ट्यूब का हम ऊपर करते हैं, एक कंचा मशीन में गिरता है और उसका वजन इतना होता है कि मशीन टिल्ट हो जाती है। इस तरह से टिल्ट हो जाती है और वो कंचा नीचे रखी प्लेट के अंदर गिर जाता है। अब ये देखिए, सबसे पहले ऊपर का फीड ट्यूब है जिसमें हम एक के बाद एक करके एक सीध के अंदर 10 कंचे रखते हैं, और उसके बाद में मशीन को बस हल्की सी चाल देते हैं। अब ये देखिए, चालू हो गई मशीन। अब नीचे से ऊपर आई, हरे ट्यूब को उठाया, एक कंचा नीचे गिरा, फिर इनलेट और ये आउटलेट, ये हो गई एंट्री और ये हो गई एग्जिट। सिर्फ एक कंचा पर्याप्त होता है इस मशीन का बैलेंस को टिल्ट करने में। तो ये और ये मशीन पूरी कागज़ की, गत्ते की, गोंद की, कीलो की, साधारण चीज़ों की बनी हुई है, और इससे बच्चे बहुत कुछ संतुलन, मशीनें कैसे काम करती हैं आदि के बारे में सीख सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये सफ़ेद ट्यूब इस टी को टकराता है वैसी उसका मुंह खुलता है और एक कंचा नीचे की प्लेट में गिर जाता है। तो ये तो हो गया इसका एग्जिट, जिससे बाहर निकलते हैं कंचे, और ऊपर का जो हरा ट्यूब है उससे कंचे। अब ये देखिए, ये ऊपर का हरा ट्यूब है, जैसे ही ये ऊपर होता है एक कंचा मशीन में चला जाता है, इससे उसका बैलेंस बदल जाता है, एक तरफ को वो झुक जाता है और नीचे की ट्रे के अंदर एक कंचा गिर जाता है। बेहद सुंदर खूबसूरत मशीन है, लगता है अपने आप चल रही है, पर नहीं, इसको ऊपर के कंचे चला रहे हैं, वही इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ पर इन बच्चियों को देख सकती हैं कि वो इस मशीन का कितना आनंद ले रहे हैं।